ऐसे दोस्तों सैमसंग की एक सीरीज आई थी, इसका नाम था एम सीरीज। उस सीरीज में सैमसंग ने M10, M20 और M30 तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। वो सीरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। उस सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सैमसंग का M30 का अपग्रेड लॉन्च किया, जिसका नाम है सैमसंग M30S, और M10 का भी अपग्रेड आपको देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है सैमसंग का M10S। दोनों ही फोन में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को चेंज मिल जाएंगी आपको। सैमसंग के M10S पर हम फिर किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे सैमसंग के M30S में क्या क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है। वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट देखने को मिल रही हैं। ट्रिपल कैमरा दिए गए, लार्ज बैटरी दी गई 6000 mAh की। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सैमसंग के M30S के बारे में। ज़्यादा जानना चाहेंगे इस स्मार्टफोन के बारे में तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जब फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी डिज़ाइन और डिस्प्ले से लेकर के, तो मैं आपको बता दूँ 6.4 इंच की सुपर एमोलेड आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। ये डिस्प्ले आपको यू नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूँ इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। वैसे आज के टाइम को लेकर के तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन बैक में आपको फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। और बैक में आपको ट्रिपल कैमरे दिए गए और प्लस एक LED फ्लैश भी दिया गया है। इस पर भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। पहले मैं आपको डिस्प्ले के बारे में और बता दूं कि इस डिस्प्ले में सबसे अच्छा फीचर्स दिया गया है डार्क मोड का फीचर्स दिया गया है। जैसे आप नाइट में आप आराम से फ़ोन को चला पाएंगे, आपके आँखों पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और डे लाइट के लिए उन्होंने ब्लू कट का सिंबल भी दिया, मतलब स्किन में आपको ब्लू कट भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप ज़्यादा हैवीली फ़ोन यूज़ करते हो तो आपकी आँखों पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे मेरे ख्याल से ये ब्लू कट का जो है फीचर सारे स्मार्टफोन में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और हमारी आँखें बहुत जल्दी वीक होती हैं। वैसे क्या आपको ये पसंद आता है ब्लू कट वाला फीचर्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कितने वेरिएंट में देखने को मिलेगा। तो आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4GB 64GB, 6GB 128GB के साथ आएगा। लेकिन प्लस बात यह है कि जैसे कि आपको पता है सैमसंग के सारे ही स्मार्टफोन में होता है, इस स्मार्टफोन में भी आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। तो मतलब अगर आपको जरूरत पड़ती है मेमोरी की एक्सपेंड करने की तो आप इसमें वो कर पाएंगे। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में। तो आपको पता है सैमसंग के जितने भी फोन आते हैं वो ज़्यादातर एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ आते हैं, तो ये स्मार्टफोन भी आपको एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा, 9611 वाला। वैसे मेरे ख्याल से अगर सैमसंग जो है अपग्रेड करते स्नैपड्रैगन के साथ तो कमाल हो जाए, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा नहीं लेकर के आता है। वैसे मैं आपको बता दूं बाहर जो फ़ोन लॉन्च होते हैं वो स्नैपड्रैगन के साथ होते हैं चाइना में, और इंडिया में आते हैं तो ये एक्सिनोस के साथ आते हैं। ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, क्या सैमसंग को अपग्रेड करना चाहिए स्नैपड्रैगन के साथ या एक्सिनोस पर टिके रहना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को हिट कर दो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया लास्ट बैटरी दी गई है 6000 mAh की, किसी भी स्मार्टफोन में नहीं आती आपको पता है। 6000 mAh की बैटरी दी गई, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा और इसमें बॉक्स के साथ ही आपको 15W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी बहुत ज़्यादा कमाल है, आप अपने फ़ोन को 2 दिन तो आराम से चला ही पाएंगे। और दोस्तों डालेंगे हम एक नज़र इसके कैमरे पर, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा कमाल दिया गया है। सैमसंग का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा दिया गया, वो 48 MP का। जी हाँ फ्रेंड्स, 48 MP का आपको इसमें प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा, 5 MP का आपको डेप्थ सेंसिंग देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल गुड कैमरे दिए गए। फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो ये भी अच्छा है कहीं ना कहीं। क्योंकि कैमरे आपको पता है सैमसंग के जो होते हैं वो कम मेगापिक्सल के बेशक होते हैं, लेकिन फोटो आपको अच्छी तरीके से निकाल के देती है। और दोस्तों अब बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी प्राइस को लेकर के, तो मैं आपको बता दूँ इसका जो बेस वेरिएंट 4GB 64GB वाला आता है वो 13,999 रुपये में आता है, और वही 6GB 128GB वाला वेरिएंट आता है वो 16,999 रुपये में आता है। वैसे मेरे ख्याल से प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इतने प्राइस में बहुत से ऐसे स्मार्टफोन हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सैमसंग के फ़ैन हैं, सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ जाना चाहते हो, लार्ज बैटरी को प्रेफर करते हैं, तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आपके लिए बना है। चलो दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा मेरा ओपिनियन जो क्या कहता है इस स्मार्टफोन के बारे में। ओवरऑल वैसे तो ये अच्छा फ़ोन है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसको थोड़ा सा कम अच्छा बनाती है। जैसे कि आपको पता है इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए था, और जो इसका बैक दिया गया वो प्लास्टिक की बॉडी के साथ आ रहा है, ये ग्लास का होना चाहिए था।
और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सबसे मेन चीज ये है, इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का होना चाहिए था। ये सबसे बड़ी थिंग है जो आई थिंक सैमसंग को चेंज करनी चाहिए। चले दोस्तों, आज के इस वीडियो को नजर आई, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर आपको लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।